हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 ईवी टू व्हीलर्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के भाव काफी अधिक हो चुके हैं, तभी दोस्तों लोगों की डिमांड पर ईवी टू व्हीलर्स काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम फर्स्ट ऑफर शुरुआत करते हैं, लास्ट पोजिशन थे तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 6 में दोस्तों लास्ट पोजिशन पर आती है रिवोल्ट RV 400। तो दोस्तों ये रिवोल्ट एक ऐसा ब्रांड है जहां पर मैं आपको बताऊं, इस बाइक के शोरूम आपको जगह जगह पर ज्यादा नहीं देखेंगे, मगर दोस्तों फीचर्स वाइज रिवोल्ट की RV 400 काफी अच्छी बाइक है। और इस बाइक के दोस्तों टॉप स्पीड की बात करते हैं तो रिवोल्ट RV 400 85 किलोमीटर पर ओवर तक टॉप स्पीड क्लेम कर दी है। सिंगल चार्ज में ये बाइक जो है 150 किलोमीटर तक रेंज कवर करेगी। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इस बाइक की बैटरी 3.24 किलोवाट आवर की मिल जाती है, और यहाँ पर दोस्तों इस बाइक की बैटरी को 4.5 घंटे तक कम्प्लीटली चार्ज होने में लग जाएंगे। और इस बाइक की जो बैटरी है वो जो है रिमूवेबल बैटरी पैक मिलेगा। अभी हम रिवोल्ट RV 400 के प्राइस की बात करते हैं तो 1.3 लाख के आसपास मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर स्टेट सब्सिडी इंक्लूड करेंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक और डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको अबाउट समथिंग ये बाइक 1,10,000 के आसपास मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन की बात करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पर आती है ओकिनेवा आई प्रेस प्लस। यहाँ पर जो है ओकिनेवा आई प्रेस प्लस का जो स्कूटर है वो दोस्तों काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों ओकिनेवा आई प्रेस प्लस की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर आई प्रेस प्लस 139 किलोमीटर सिंगल चार्ज में कवर करेगा। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो ओकिनेवा आई प्रेस प्लस की टॉप स्पीड 58 किलोमीटर पर ओवर तक रहेगी। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो iPress Plus की बैटरी 3.3 किलोवाट आवर की है। चार्जिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ओकिनेवा iPress Plus का चार्जिंग टाइम 4 to 5 आवर्स तक आपको मिल जाएगा। प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बाइक 99K, यानी कि दोस्तों आपको 1 लाख के आसपास iPress Plus मिल जाएगी। स्टेट सब्सिडी यदि आप इंक्लूड करेंगे तो 20 to 25 thousand तक आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो iPress Plus आपको दोस्तों यहाँ पर जो है 75 to 80 thousand तक मिल जाएगी। अभी हम फोर्थ पोजीशन की बात करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पर आती है बजाज की चेतक। यहाँ पर बजाज चेतक के आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों एक ओरवैन है और प्रीमियम, तो यहाँ पर ओरवैन और प्रीमियम दो वेरिएंट के साथ मिलेगी। फिलहाल हम बजाज चेतक के रेंज की बात करते हैं तो ये बाइक दोस्तों 85 to 90 किलोमीटर तक रेंज कवर करेगी। और टॉप स्पीड की बात करते हैं तो बजाज चेतक की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर प्रति ओवर है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो बजाज चेतक के स्कूटर में 3 किलोवाट आवर का बैटरी सेटअप मिलेगा, और इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटिंग के साथ है। आप बजाज चेतक के स्कूटर को बारिश में भी अच्छे से राइड कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई भी आपको इसके जो है बैटरी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं आने को है। अभी हम बजाज चेतक के दोस्तों यहां पर जो है मोड की बात करते हैं तो इस बाइक में हमें दो मोड मिल जाएंगे, एक तो स्पोर्ट्स मोड और इको मोड। आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों मोड को भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बजाज चेतक के प्राइस की बात करते हैं तो ये स्कूटर जो है 1.2 लाख से लेकर 1.4 लाख के आसपास मिल जाएगा। स्टेट सब्सिडी में आप 15 से 20 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट लेकर चल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर थर्ड पोजीशन की बात करेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पर आती है TVS की iQube। TVS की iQube में दोस्तों हमें 3 मोड मिल जाएंगे, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड, ये 3 मोड रहने वाले हैं। और TVS iQube दोस्तों एक रिपोर्टेड ब्रांड है। यहाँ पर जो है TVS की तरफ से अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इस iQube में दोस्तों 78 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो TVS iQube में 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी मिलेगी, जो कि दोस्तों IP67 के साथ सर्टिफाइड भी है। और हम अभी इस बैटरी के चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों TVS की iQube 5 आवर्स में 80% तक चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, TVS की iQube में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा बैटरी को चार्ज करने में, जो कि दोस्तों अबाउट 6 ओवर तक 100% चार्ज होने में लग सकता है। और TVS के iQube में आपको एक अच्छी DFT स्क्रीन भी मिल जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आप नेविगेशन असिस्ट, कॉल एंड मैसेजिंग अलर्ट, ये सब दोस्तों यहाँ पर फीचर्स भी एडेड रहेंगे। सेकेंड पोजिशन की बात करते हैं तो सेकेंड पोजिशन पर दोस्तों आती है एथर की 450 प्लस। यहाँ पर एथर 450 प्लस काफ़ी अच्छी टू व्हीलर ईवी स्कूटर है। यहाँ पर मैं आपको एथर 450 प्लस के रेंज की बात करते हैं तो ये स्कूटर दोस्तों 70 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। और एथर 450 प्लस के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है 2.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। चार्जिंग की बात करते हैं तो एथर 450 प्लस के स्कूटर की बैटरी को चार्ज होने में 5.5 घंटे तक आपको लगेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आप ऐप के थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह, ये सारे फीचर्स भी आपको एथर 450 प्लस में मिल जाएंगे। अभी हम दोस्तों लास्ट में फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर आती है एथर की ही तरफ से एथर 450X।
इस ईवी स्कूटर में दोस्तों हमें 80 किलोमीटर की रेंज क्लेम मिल जाएगी। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एथर 450X में हमें 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी सेटअप मिल जाएगा। और यहां पर एथर 450X की बैटरी आपको IP67 रेटिंग के साथ मिलेगी, जहां पर दोस्तों आप बारिश वाकई बरसात अरसात कहीं पर भी आप इस स्कूटर को अच्छे से राइड कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और एथर 450X के चार्जिंग टाइम की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों एथर 450X की बैटरी को 5 आवर्स तक आपको चार्जिंग में लग जाएंगे। बाकी दोस्तों यहां पर आपको एथर 450X में 8 इंच का बिग डिस्प्ले साइज मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आप एथर 450X को ऐप के थ्रू कंट्रोल भी कर पाएंगे। और यहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह वगैरह सारे फीचर्स आपको भरपूर मिलेंगे। अभी दोस्तों यहां पर एक और ईवी स्कूटर की डिटेल आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, जो कि दोस्तों ओला S1 Pro है। ओला S1 Pro को दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं सिलेक्ट किया गया है, नो डाउट दोस्तों ओला S1 Pro काफी अच्छे हाईली स्पेक्स के साथ आता है, मगर दोस्तों ओला S1 Pro की इतनी अधिक बुकिंग रहती है जो कि दोस्तों ओला के लिए काफी अधिक परेशानी का कारण बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दोस्तों लोगों को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ओला S1 Pro की दोस्तों आज आप बुकिंग करवाएंगे तो यदि किसी कैंडिडेट को ओला S1 लेना है तो वो लोग दोस्तों ओला S1 नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ओला S1 Pro ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो भी दोस्तों ओला S1 Pro की बुकिंग आज आप करेंगे तो 6 मंथ बाद भी अगर आपको ओला S1 Pro मिल जाए तो काफी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में ओला S1 Pro को नहीं कवर किया है। बाकी हम S1 Pro के स्पेक्स की बात करेंगे तो S1 Pro में आपको टॉप स्पीड 115 किलोमीटर तक मिलेगी, और रेंज की दोस्तों बात करेंगे तो यहां पर 180 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड और रेंज कितनी कमाल की है। बाकी दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ओला S1 Pro में 3.97 किलोवाट आवर का एक बिग बैटरी सेटअप मिल जाता है, और यहां पर इस बैटरी को 6 आवर्स तक आपको चार्ज करने में लग जाएंगे। प्राइस की बात करेंगे तो ओला S1 Pro के प्राइस 1,30,000 रुपए रहते हैं। बाकी यहां पर एक आपको बिग साइज का डिस्प्ले मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐप के थ्रू बहुत सारे कमाल के फीचर्स भी यहां पर डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस ये थी आज की टॉप 6 ईवी टू व्हीलर्स, जहां पर दोस्तों मैंने हाईली स्पेक्स यहां पर 6 ईवी टू व्हीलर्स के यहां पर कवर किए हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू कॉन्टेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।